मोतिया बिंद, सफेद मोतिया, काला मोतिया, कैटरेक और ग्लूकोमा, इसके साथ साथ रतौंधी, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका पूरी दुनिया में कोई समाधान नहीं है। कैटरेक हो जाता है तो ऑपरेशन करवा लेते हैं, ग्लूकोमा में भी ऑपरेशन करवाते हैं लेकिन उससे भी पूर्ण समाधान नहीं हो पाता है। मैंने देखा जब पहली बार मेरे सामने तथ्य आया कि कपाल भाती निरंतर किया साधक ने और कपाल भाती निरंतर करने से कैटरेक अपने आप खत्म हो गया, माने मोतियाबिंद के लिए ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा, ये बहुत बड़ी घटना थी लेकिन ऐसा हुआ। और आंख का प्रेशर बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं ग्लूकोमा, उसको बोलते हैं काला मोतिया। अनुलोम विलोम प्राणायाम नियमित रूप से किया और जो है काला मोतिया ग्लूकोमा ठीक हो गया, ये बहुत बड़ी बात थी लेकिन ऐसा हुआ। एक तो दृष्टि आई ड्रॉप का प्रयोग किया, एक चम्मच सफेद प्याज का रस, एक चम्मच नींबू का रस, एक चम्मच छिलका उतार करके अदरक का रस, तीन चम्मच ये रस और तीन चम्मच शहद मिला करके ये अब आई ड्रॉप बन गया। तो एक एक बूंद आप ये आँख में डालें, इसको दृष्टि करके हम पतंजलि से भी आपको उपलब्ध कराते हैं। और आमल के रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लोह 20 ग्राम, मुक्ता शक्ति भस्म 10 ग्राम और मोती पिष्टि भी 2-4 ग्राम मिला करके ये पाउडर एक एक चम्मच सुबह शाम खिलाते हैं, उससे भी आँखों के रोगों से 100% निजात मिलता है। रामबाण औषधि है। आमल की रसायन के साथ साथ आप अमृत रसायन जो च्यवनप्राश की तरह होता है उसका सेवन कर सकते हैं, आंवले का मुरब्बा, आंवले की कैंडी या आंवले का जूस ही पी सकते हैं 2-4 चम्मच सुबह शाम, आंवले का चूर्ण भी खा सकते हैं। ये सब आंखों के लिए उपयुक्त होता है। जिनको कैटरेक्ट ग्लूकोमा की प्रॉब्लम होती है, रतौंधी की प्रॉब्लम होती है और रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की प्रॉब्लम होती है, उन सब के लिए भी ये अमर के रसायन वाला प्रयोग जो खाने के लिए और आँख में डालने वाला प्रयोग दृष्टि वाला, और ये पहली और दूसरी उंगली के नीचे ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट है, दोनों हाथों में 2 मिनट से लेकर के 5-5 मिनट इसको दबा सकते हैं और आँखों के रोगों से पूरी तरह से छुटकारा मिल जाता है। आँखों का कोई भी रोग हो सुबह उठ करके मुँह में पानी भर करके और ठंडे पानी से आँखों को धोना, ये सभी तरह के नेत्र रोगों के लिए उपयुक्त है। जिनको भी आँखों की बीमारी हो पानी की मात्रा पूरी अपने शरीर में रखा करें, अर्थात दिन में 3-4 लीटर पानी सभी को जरूर लेना चाहिए, लिक्विड जरूर लेना चाहिए। इसमें भी हरी सब्जियों का प्रयोग आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। सुबह उठ करके घास के ऊपर ऐसे ज़मीन के ऊपर नंगे पांव चलना भी आँखों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। गाय के घी का या कोई भी देसी घी का या सरसों के तेल का दीपक जला लें और उसका त्राटक ऐसे खुली आँखों से उसको ऐसे देखना, ऐसे आधा मिनट से लेकर के फिर 1 मिनट, फिर 2 मिनट, 3 मिनट और ऐसे 5 मिनट आपका अभ्यास हो जाएगा। बाद में थोड़ी देर आँखों को ऐसे बंद कर लें और उसके थोड़ी देर बाद आप ठंडे पानी से आँखों को धो लें। सुबह सुबह उगते हुए सूरज का त्राटक करना, ये सूर्य साधना, सविता साधना बहुत उपयुक्त है। और सूर्य को अर्घ्य देना, सूर्य को अर्घ्य देने से मैंने बहुत लोगों से ये सुना है कि उनकी आँखों की क्रिटिकल प्रॉब्लम्स दूर हुई है। तो सूर्य को जब अर्घ्य अर्पित करते हैं तो जो सूर्य की रश्मियों से जल से होकर के हमारे आँखों तक आती हैं उससे अद्भुत लाभ होता है। तो सूर्य को अर्घ्य अर्पित करें और उगते हुए सूर्य का त्राटक कर सकते हैं आँखें खोल करके, ये कैटरेक के लिए, ग्लूकोमा के लिए, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के लिए बहुत ही ज़रूरी है और आप इन रोगों से ये उपाय करके छुटकारा पा सकते हैं। बड़ी उम्र में सर्वांगासन और शीर्षासन करना ठीक नहीं होता और ख़ास करके जिनको उच्च रक्तचाप हो, सर्वाइकल स्पिनल स्पेन हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, वे तो सर्वांगासन और शीर्षासन कर ही नहीं सकते। लेकिन जिन बच्चों को बचपन में ही रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की प्रॉब्लम हो जाती है, रतौंधी की प्रॉब्लम हो जाती है, वे बच्चे सर्वांगासन और शीर्षासन भी 2-3 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक कर सकते हैं, यह उनके लिए उपयुक्त होगा।